नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अग्रवाल इंटरप्राइज में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैंगो फ्लेवर की रेसिपी, क्योंकि ज़्यादातर पार्टी मेरे पास यही रिक्वायरमेंट होती है कि मैडम जूस कैसे बनाया जाता है, प्लीज़ हमें बताइए। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ मैंगो की रेसिपी। तो यहाँ पर लिया है मैंने मैंगो फ्लेवर, जो फ्लेवर कंपनी का फ्लेवर है वो वाला मैंने लिया है, और हमारे पास अपोलो कंपनी का भी फ्लेवर है, लेकिन आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बनाएंगे फ्लेवर कंपनी के मैंगो फ्लेवर की। तो यहाँ पर लिए हमने 8 किलो चीनी, आप देख सकते हैं ये 8 किलो चीनी है, और बिल्कुल साफ़ चीनी ली है हमने, कोई सल्फर नहीं है, जो ब्रीक चीनी होती है वो चीनी नहीं है, ये देख लीजिए आप, मोटे दाने की चीनी ली है हमने, क्योंकि जो फ्लेवर होता है जूस का वो थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमने लिया है 42 लीटर पानी, जो कि आर ओ का है, जिसका लेबल है TDS लेबल है 70 से 75 का। और ये है हमारे पास सोडियम बेंजोइट जो कि 15 ग्राम है, और ये है पोटेशियम सोर्बेट जो कि 5 ग्राम है। तो मैं बताऊंगी इन दोनों का यूज़ किस लिए होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। तो ये पहले हम चीनी को डाल देंगे, एक ड्रम लिया है हमने, बिल्कुल साफ ड्रम है, और चीनी को इसमें हमने डाल दिया है, पूरी 8 किलो चीनी हमने यहाँ डाली है, और इसमें अब ऐड कर देंगे हम पानी भी। तो पानी का यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ, 7 लीटर पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो चीनी को हमने देखना है बिल्कुल साफ़ चीनी होनी चाहिए, गंदा वगैरह नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ चीनी है, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 7 लीटर पानी, जो कि आरओ का पानी है। पार्टी बार बार पूछती है मैडम हम बोरिंग का पानी ले लें, ये जो सप्लाई का पानी आता है वो ले लें, तो मैं यहाँ पर उनको बताना चाहूँगी कि हमने आरओ का पानी लेना है। जितना अच्छा हम पानी लेंगे, जूस का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है, उसका टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 लीटर पानी ले लिया है, और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, हल्का सा मिलाएंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि जो हमारी चीनी है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। इसको घुमाया अच्छे से, और 10 मिनट के लिए हमने इसको घोल को छोड़ दिया, और आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है पानी में, थोड़े से दाने हैं जो कि बाद में हमारे घुल जाएंगे। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्लेवर। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्लेवर, जो कि फ्लेवर कंपनी का है, ये 500 ml के लिक्विड की बोतल है, इसको हम डाल देंगे इस पानी में। अब इसके बाद डालेंगे हम 100 ग्राम का पाउडर, जो कि लिक्विड की बोतल के साथ ही हमारे को मिलता है, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्रिजर्वेटिव, तो ये है सोडियम बेंजोइट जो कि 15 ग्राम है। तो इसका हम यूज़ इससे करते हैं जिससे कि जूस की जो लाइफ है वो 2.5 से 3 महीने के लिए हो जाए। तो ये प्रिजर्वेटिव होते हैं और इनसे हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम, और एक सेट में सोडियम बेंजोइट 15 ग्राम डाला जाता है, इसको अच्छे से हमने मिलाना है ताकि इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो। और अब हम इसमें डालेंगे पोटेशियम सोर्बेट, जो कि एक सेट में 5 ग्राम डाला जाता है, तो इसको भी अच्छे से हम ऐड कर लेंगे, और इनको हम अच्छे से मिलाएंगे, कम से कम हमें 5 से 10 मिनट इनको अच्छे से मिलाना है।
फ्लेवर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको रेस्ट करने के लिए एक घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें चीनी, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब जूस को हम छान लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एक बड़ी छन्नी और जूस को हम छान लेंगे। तो जूस को यहाँ पर इसलिए छानेंगे कि इसमें जो कोई भी कण रह गए हैं प्रिजर्वेटिव के या चीनी के, वो छन जाए, पीने में ना आए। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने 7 लीटर पानी लिया है, 8 किलो चीनी ली है, 1 सेट फ्लेवर का लिया है और प्रिजर्वेटिव लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से मिक्स करके एक घोल तैयार कर लिया है और हमने अपना फ्लेवर तैयार कर लिया है। अब बाकी का इसके अंदर हम 35 लीटर पानी ऐड कर लेंगे, जिससे आपके 50 लीटर जूस बनकर के तैयार हो जाएगा। इससे आपके 100 ml के 500 पाउच भर जाएंगे, 50 ml के 1000 पाउच भर जाएंगे और 200 ml के 250 पाउच भर जाएंगे। बाकी की जानकारी जानने के लिए हमारे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारे पास पाउचेज मिल जाएंगे, कम से कम क्वांटिटी में 1 सेट फ्लेवर का ही मिल जाएगा, सीलिंग मशीन, डिस्प्ले बोर्ड, आउटर पाउच, प्रिजर्वेटिव कम से कम क्वांटिटी में आपको मिल जाएंगे। और जो भी आपको जानकारी जाननी है हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। We'll be right back.